मैं नाम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ममंगम नाम की एक तमिल फिल्म के बारे में जो 21 नवंबर 2019 को रिलीज होने वाली है। लगभग 1.5 मिनट का इसका टीजर करीबन एक हफ्ते पहले रिलीज हुआ था, लेकिन उसका हिंदी वर्जन आज रिलीज हुआ काव्य प्रोडक्शन कंपनी में जो यूट्यूब चैनल है वहां पर। और इस फिल्म में पद्मश्री ममुथी नजर आ रहे हैं जो इस फिल्म में चेकावू नाम के एक वॉरियर का रोल प्ले कर रहे हैं। और ये 18वीं सदी की कहानी है और यहाँ पर लिखा है और जो वीडियो में लिखा है वो कुछ 1695 AD लिखा है। और यहाँ पर ये कहानी कुछ इस तरह से है कि चेकावू नाम के जो वॉरियर रहते हैं वो लड़ते हैं जुमारिन रूलर से, ठीक है। ये कहानी का बहुत पुरानी जमाने की कहानी है और उस समय ये भी लिखा दिया टीजर में, ये भी दिया गया है कि हमारा जो देश जाना जाता है मार्शल आर्ट्स के लिए जाना जाता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं पूरा यूज किया गया है इस फिल्म में, इतना साफ लग रहा है। अब यहाँ पे मेन चीज आपको बता दूं, चेका वो नाम का रोल प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बोलते ना एक लोग रहते एक तरह के बोलते ना जैसे कि वो लड़ते हैं यहाँ पे जुमारियन रूरल से, ठीक है। एक तरह के जो एक बोलते ना कल्चर वाले लोग रहते हैं वो किसी और से लड़ते हैं। सीधी बात है, अंग्रेज जैसे थे वैसे भी उसके पहले भी कई सारी लड़ाइयां हुई, इंडिया में बहुत सारे लोग आए हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे जुमारियन रूरल से लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं और कुछ चीजों के बारे में, यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक उत्सव मनाया जाता है ममंगम। और ये ओरिजिनल में भी विकिपीडिया मैंने पढ़ा, उस उत्सव में किस तरह से लोग शरीक होते हैं, किस तरह से क्या क्या होता है, वो बढ़िया तरह से दिखाया गया है। और यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस किया गया एक 12 साल के बच्चे से जो फाइट करता हुआ नजर आता है, 5-6 लोगों को एक अलग तरह से पतली सी हल्की वाली तलवार से मारते हुए नजर आता है। और इसमें लिखा हुआ आता है कि 12-year-old boy हु चेंज हिस्ट्री, ठीक है। तो उसके बाद वही 12-year-old boy एक कहानी सुनाता है कि मेरे मामा एक हुआ करते थे, तो उनके बारे में कहानी सुनाता है। और वो ममुथी फिर लास्ट में टीजर के लास्ट में उनका जो फर्स्ट लुक है वो नजर आता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक सिंपल सादी वेशभूषा में एक है ना ऋषि मुनि जैसा। और यहाँ पे आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पे एक डायलॉग जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुलामों की तरह जीने से बेहतर है एक शूरवीर की तरह लहू बहाते हुए मर जाओ, वो एक बहुत अच्छा डायलॉग लगा मुझे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एम पद्मा कुमार ने। ये फिल्म मलयालम में बनी है, इसके अलावा तमिल तेलुगु और हिंदी वर्जन में इसका डब वर्जन रिलीज होगा। और कहीं ना कहीं जो ट्रेलर देख के बहुत अच्छा फील आ रहा है, टीजर देख के माफ कीजिएगा। और इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन और प्राची तेहलान भी नजर आएंगे ममूथी के साथ। और एक बहुत ही अलग तरह का रोल मुझे नजर आ रहा है, अलग तरह की फिल्म नजर आ रही है, कुछ नया ट्राई किया जा रहा है इंडियन सिनेमा में, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और फिल्म का फाइटिंग सीन्स जो भी चीज अभी तक देखा हूं वो बहुत ही एक्साइटिंग लग रही है, विजुअल अपील काफी अच्छा लगा इस फिल्म का। नाउ लेट मी अंडरस्टैंड कि इसका बजट आखिर कितना होगा, किसी को पता होगा जरूर बताइएगा। एंड फॉर मी आई लाइक द टीजर, आई एम इजली गोइंग टू गिव इट 70% रेटिंग, दैट इज डिस्टिंक्शन रेटिंग। जैसे भी होगा बाकी चीजें मैं जरूर बताऊंगा, आपको कैसे लगा ये टीजर जरूर बताइएगा। और ममंगम, सॉरी स्पेलिंग गलत हुआ उसके लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।